बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि दयानंद की, बोलिए वेद भगवान की। अब नहीं खुलवाया मैंने कुछ भी, मैं समझ गया कि कोई भी बात नहीं कर रहा है, आवाज आ रही है। ये आश्चर्य है, इतने बच्चे इकट्ठे हो जाए और आवाज नहीं आवे। अध्यापक ने कहा कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। तो एक बेटे ने कहा मुझे आज सपना आया कि मेरे आगे पीछे सोना ही सोना बरस रहा है। कहा ठीक है, बरस सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लड़की ने कहा कि आज मैं तो मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के गई। कहिए भी हो सकता है। तीसरी लड़की ने कहा कि चार औरतें बैठी थी और आपस में बात नहीं कर रही थी। बोले ये सबसे बड़ा झूठ है, इसे इनाम मिले। तो जहां बहने बैठ जाए, बच्चे बैठ जाए और बात ना करें, इसका मतलब कोई बात है। अच्छा, बहनों की ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहन दूसरी से कहेगी ये मैं तुझे बता रही हूं, किसी को बताइयो ना। अच्छा, जिसके बारे में बता रही है घूम फिर के, वो बात वहां तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? टेलीग्राम भी लेट हो सकता है, स्पीड पोस्ट भी लेट हो सकती है, क्यों जी? लेकिन वो बात लेट नहीं हो सकती। हमारे गांव में 110 वर्ष की एक माता जी बुढ़िया, मैंने कहा दादी तेरे से एक बात कहूं, तू किसी से नहीं कह तो। बोले बेटा मुझे कह दी, सारे गांव ने कह दी। एक मंडी सारा संसार है, हर बसर इसमें बैठा दुकानदार है। और कवि ने बहुत जोर देकर कहा, सारे घाटे का बेमूल व्यापार है, माल जितना गया सब उधारा गया। आप चिंतन करें, विचार कहे करें कि हम भी तो सब कुछ उधार में नहीं दे रहे, क्यों जी? जिस उद्देश्य से जीवात्मा इस पंच तत्व भौतिक शरीर के अंदर आया है, जो इसका उद्देश्य है, क्या उस उद्देश्य के ऊपर हमने कोई काम किया? क्या हमने अपने को समय दिया? क्यों जी? जो अपने को वक्त नहीं देता वो कम वक्त होता है। क्या होता है? जो अपने को वक्त नहीं देता वो क्या है? तो दुनिया में कम वक्त व्यक्ति अच्छा नहीं होता। मरे से मंत्री जी कहने लगे, बड़े मंत्री थे केंद्र के, कहने लगे कि बहुत दर्द होता है। मैंने कहा भाई बेदर्द आदमी दुनिया में अच्छे नहीं होते, तेरे दर्द हो रहा है अच्छी बात है। कहा जी शरीर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा पब्लिक का दर्द ले ले, ये दर्द खत्म हो जाएगा। देखिए आपने जो ये कार्यक्रम रखा है और इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, किसी के पास वक्त नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए धन्यवाद और बधाई बनती है। जोरदार शुभकामनाएं प्रेषित करें सकल होने से। मैं आपसे निवेदन कर रहा था बहनों भाइयों कि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति, कितनी डिग्री है, कोई मायने नहीं रखती अगर उसका जीवन ठीक नहीं है, उसने आत्मिक उन्नति नहीं की, शारीरिक उन्नति नहीं की, सामाजिक उन्नति नहीं की, तो कोई मतलब है ही नहीं। क्या मतलब है? सेंटेंस बोलना है, एक वाक्य बोलना है, वो दाता देख रहा है। क्या बोलना है? दाता देख रहा है। यदि आप पढ़ाई से मन चुरा रहे हैं तो वो दाता देख रहा है। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा, आप कहीं और जा रहे हैं तो वो दाता देख रहा है। किसी भी तरह की हम चोरी करते हैं वो दाता देख रहा है। बहु सास से लड़ रही है तो दाता, सास बहू से लड़ रही है तो दाता, रिश्वत ले रहे हैं और वो दाता, सुनो जहां कोई नहीं देखता ना वहां ईश्वर देखता है।
जहाँ कोई भी नहीं देखता वहाँ ईश्वर देखता है। और जब ईश्वर साक्षी हो, जिस चीज का गवाह हो, जिस चीज का ईश्वर गवाह हो, साक्षी हो, बताओ उस केस में आपको जो है सजा होगी कि नहीं होगी, कन्फर्म होगी। तो जहां ये देखते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, समझ लो कि अब पाप होने वाला है, बच जाओ। क्या लिखा कवि ने, आनंद लीजिए, बहुत पुराना भजन है। भले बुरे तेरे कर्मों को जगत रचाने वाला वो दाता देख रहा है, वो दाता देख रहा है। बोलो वो दाता देख रहा है। जलचर थलचर नभचर सारे इस सृष्टि के प्राणी, भाई जलचर थलचर इस सृष्टि के प्राणी, जुदा जुदा सबकी तस्वीरें, जुदा जुदा है वाणी, भाई जुदा जुदा सबकी तस्वीरें, नहीं छुपाए से छुप सकता, चाहे लाख छुपाए, पाए सिला कर्म का अपने, पाए सिला कर्म का अपने, गोरा हो या काला हो, दाता देख रहा है, दाता देख रहा है, दाता देख रहा है। धर्म कर्म ईश्वर भक्ति में कुछ तो
बाकी जो कुछ शेष बचा है जीवन सफल। कुछ लोगों का तेल पूरा जल गया, बात चरण मरण कर रही है। कल मिले मेरे को एक व्यक्ति, करे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हैं यही होंगे, हैं कहाँ है? भाई धर्म कर्म ईश्वर भक्ति में दोस्तों मन को लगाए, बाकी जो कुछ शेष बचा है जीवन सफल। भाई बाकी जो कुछ शेष बचा है जीवन काले तू पे बोल प्रभु गुण, काले तू पे बोल प्रभु गुण हो जाए उजियाला भाता वो दाता दे। बोले मैं जी धर्म की, बोले मैं श्री दयानंद की। भले बुरे तेरे कर्मों को जगत रचाने वाला वो दाता। भाई तनवीर जैसे व्यक्ति कार्यक्रम सुन के गए, भाई कार्यक्रम में तो लट गड़ गए। क्या गड़ गए? लट गड़ गए। एक और व्यक्ति से पूछा, भाई साहब कार्यक्रम कैसा था? बोले भाई कार्यक्रम कुछ भी नहीं था, दो चार लोग आपस में पिलमा झटका करते और मैं कहता बैठ जाओ बैठ जाओ, जब होता बढ़िया कार्यक्रम। तो ये संसार सागर है। मैं प्रातः काल कह रहा था वहां, नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं, नेचर और आप चाहो तो बदल सकते अन्यथा नहीं बदल सकते। और नेचर को बदलने के लिए आर्य समाज से बढ़िया कोई भट्टी नहीं है, वैदिक मंत्र से बढ़िया कोई भट्टी नहीं है जिसमें तप करके व्यक्ति कुंदन बन सकता है। खान से जो सोना निकलता है ना, उसके डायरेक्ट जेवर नहीं बनते, आभूषण नहीं बन सकते उसके, उसे तो तपाना पड़ेगा भट्टी का और तपा करके शुद्ध करना पड़ेगा। एक व्यक्ति कहने लगे, भाई मैं तो बड़ा आदमी बन गया। क्या बन गया? मैंने कहा बड़ा तो बहुत अच्छा होता है, बड़ा तो भाई साहब पहले चना उगाया जाता है, फिर चना तैयार होता है, फिर दाल बनती है, फिर दाल को पीसते हैं, उड़द का दाल का मिक्स होता है। और मैंने कहा फिर उसका बेसन बनता है, फिर उसे तेल में तला जाता है, उसका कष्ट तो देखो कहाँ कहाँ से गुजर के आता है, तब बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। बड़ा ऐसे थोड़ी बनता है, बड़ा बनने के लिए तो तपस्या चाहिए। और कोई व्यक्ति ऐसे अनायास ही कहे कि बड़ा हो गया तो ये अहम है। क्या है? और एक बात नोट कर लेना, अहम की और बहम की कोई दवाई नहीं है दुनिया, किसी मेडिकल में अहम की और बहम की दवाई नहीं है, दवाई नहीं। अंतिम जो पंक्ति कही है इस पे विचार करना। कवि कहता है, धर्म कर्म ईश्वर भक्ति में कुछ तो मन को लगा ले और बाकी जो कुछ शेष बचा है जीवन सफल बना ले। पर जीवन सफल वो बन सकता है जो व्यक्ति बलवान हो। बुढ़ापे में भक्ति नहीं होगी। हमारे पूर्वज कह के गए हैं हमसे, रण भक्ति और दान तीनों काम जवान के, बुढ़ापे के नहीं। बात चरण वरण करेगी और हम कहेंगे भक्ति करेगी, कहां से? उठा जाएगा नहीं, बैठा जाएगा नहीं, चला जाएगा नहीं, क्यों जी? तब कहां से भक्ति हो? फिर तो
लोग पकड़ के उठाएंगे। और सुनो, जिस आदमी से उठा नहीं जाता ना उसे लोग उठा लेते, जिससे उठा नहीं जाता उसे उठा लेते हैं, एक नहीं चार चार उठाते हैं। एक आदमी नहीं उठाता, जीवन भर धन 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 करता रहा, क्या कहता रहा, धन। और भाई साहब दलवीर जी लास्ट में लिखा गया निधन, लिखा क्या गया, जीवन भर धन धन किया और लिखा क्या गया, जब निधन ही लिखा जाना है तो क्यों चक्कर में पड़ रहा है भाई, वो उधर ही साधन जुटा ले जिससे काम चल जाए। तो मैं कह रहा था कि व्यक्ति को बलवान बन के जीना चाहिए, कमजोर आदमी का दुनिया में कोई जीना नहीं है।